जिस शहर के लोगों के जहन में पहले से एक आशंका का माहौल हो, उस शहर में सिस्टम की सुस्त और लापरवाह चाल की वानगी आज जी बिहार आपको दिखाएगा। हमारी इस खबर का उद्देश्य आपको डराना कतई नहीं है, पर कुंभकर्ण की निद्रा में सोए सिस्टम को जगाना जरूर है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। नेपाल बॉर्डर पर बसे रक्सौल में लोगों को हमेशा इस बात की आशंका बनी रहती है कि कहीं कोई बड़ी आगजनी की घटना ना हो जाए। रक्सौल शहर के घनी आबादी में इंडियन ऑयल का डिपो है, जहां से नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की जाती है। 3,30,29,000 लीटर कैपेसिटी के इंडियन ऑयल डिपो की वजह से रक्सौल शहर आतंकियों के निशाने पर भी रहता है। पर सिस्टम की सुस्त चाल को देखिए, रक्सौल शहर को आगजनी जैसी बड़ी घटनाओं से बचाने के लिए शहर में अग्निशमन दस्ता की गाड़ी सहित भवन का निर्माण तो 2 साल पहले जरूर करा दिया गया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कितनी कारगर है जरा आप भी सुनिए। अग्निशमन भवन का बना हुआ 2016 में बनके पूर्ण तैयार हो गया। वहाँ पर पंप हाउस भी बना, ठेकेदार द्वारा बनाया गया, लेकिन उस पंप से पानी आज तक नहीं निकला। बहुत प्रयास के बाद भी पानी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लेना चाहा, लेकिन नहीं मिल पाया। ठेकेदार को भी खबर किया गया वहाँ के पदाधिकारी से, और जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया। राज्य अग्निशमन पदाधिकारी कार्यालय बिहार पटना को भी उसकी शिकायत की गई, परंतु अभी तक उस पंप हाउस अभी तक बना नहीं। सीमावर्ती शहर रक्सौल में आग को बुझाने के लिए सन 2016 में अनुमंडल स्तरीय फायर ब्रिगेड का निर्माण पुलिस भवन निर्माण निगम से कराया गया, साथ ही 3 दमकल की गाड़ियां भी सौगात में मिली। दमकल की गाड़ियों में पानी डालने के लिए समस्या नहीं हो, इसके लिए हाईटेंड पंप भी लगाया गया, लेकिन हाईटेंड पंप भ्रष्टाचार का शिकार हो गया और 2 दिन भी नहीं चला। ऐसे में अग्निशमन दस्ते को तालाब का ही सहारा लेना पड़ता है। दमकल की गाड़ियों को शहर से 3 से 5 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तालाब से पानी भरने पर गंदगी भी पानी के साथ मिल जाती है, जिस वजह से कई बार ये गंदगी दमकल के नोजल में फंस जाती है और इन मौके पर कई बार खराब भी हो चुकी है। वहाँ पर एक तालाब है, टाउन में तालाब है, तो वो इसी तालाब से पानी लेकर करके आग पर काबू पाया जाता है। अगर टाउन में आग लगती है तो तालाब से पानी लेकर करके और अक्सर टाउन को कंट्रोल किया जाता है। जरूरत इस बात की है कि जी बिहार झारखंड के इस खुलासे के बाद कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारी जागे और रक्सौल के अग्निशमन कार्यालय में पहले दिन से खराब पड़े हाईटेंड पंप को दुरुस्त किया जाए। पंकज कुमार, जी मीडिया, रक्सौल, मोतिहारी।